खम्मा घणी दोस्तों, वेलकम टू बैसारी रसोई 99 में आपका स्वागत है। मैं आरती आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान के प्रसिद्ध रेसिपी, जो कि दोस्तों ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जब भी दोस्तों हमारा कभी खाना बनाने का मन ना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी और साथ में बहुत ही हेल्दी है। तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं गेहूँ का आटा। तो हमने यह गेहूँ का आटा ले लिया है 500 ग्राम के करीब, साथ में हमने आधी बाउल के करीब लिया है सूजी और साथ में यहाँ पे एक हरी मिर्ची कट कर दी है डाल दी है और साथ में एक प्याज कट करके डाल दिया है बारीक बारीक और आधे छोटे चम्मच जीरा और नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और आधे छोटे चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दिया है। साथ ही में यहाँ पे डाल देते हैं धनिया पाउडर आधे छोटे चम्मच और यहाँ पे एक पिंच के करीब डाला है हमने हींग और अब आधे छोटे चम्मच से कम डाल देंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद में यहाँ पे हम पानी डाल करके इसे बिल्कुल टाइट डो हमारा लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पानी हमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ही चाहिए, ज़्यादा पानी का हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे जो पानी था वही यूज़ कर रहे हैं। तो इसे एकदम सख्त आटा लगा लेंगे हम इस तरीके से दोस्तों, क्योंकि जब आटा हमारा सख्त लग के तैयार होगा तभी हमारी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा लगभग आटा लग चुका है, अब अच्छे से हमें टाइट ही लगाना है, ये देखिए। तो चलिए इसे एक बार ढक करके रख देते हैं 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा यहाँ सेट हो जाए। और आटा सेट हो गया है हमारे 20 से 25 मिनट बाद हम देख लेते हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम आटे को एक बार वापस से थोड़ा सा गून लेते हैं, ये देखिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आटे को एक बार वापस से इस तरह से मल लेंगे और मलने के बाद में अब हम इसे बराबर बराबर करके डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चक्कू ले लेते हैं और चक्कू से बराबर बराबर इसको कट कर लेंगे। तो दोस्तों आप चाहो तो आटे में से आप छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर भी उसे हाथ से दबा दबा कर भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर गोलियाँ बना लेनी है, और नहीं तो आप इस तरीके से मेरी तरह एक ले लीजिए बड़ा वाला लोहिया और उसे अच्छे से इस तरीके से कर करें बेल लीजिए। अगर आपको लगे लोहा थोड़ा ढीला है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा, सूखा आटा लगा लीजिए और फिर इसे लंबी लंबी रोटी बना लीजिए। तो देखिए इस तरीके से लंबी लंबी रोटी बना करके हम अच्छे से कट करेंगे इसे। तो देखिए दोस्तों जो हम बना रहे हैं अभी रेसिपी, ये है हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध दाल ढोकली रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आज जो हम दाल ढोकली बना रहे हैं इसे 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो दोस्तों आज जो बनाएंगे वो है हमारी राजस्थान की दाल ढोकली, और नेक्स्ट बार जब मैं लेकर आऊँगी रेसिपी तब लाऊँगी गुजरात की दाल ढोकली, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और दोस्तों ये एक रेसिपी ऐसी है कि जब भी कभी खाना बनाने का मन ना हो तो आप इसे ज़रूर बनाइए, फटाफट से बन जाती है और अपने आप में एक परिपूर्ण खाना ही है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे तो यहाँ पर हमने सारे डायमंड में ही कट करे हैं, और ये देखिए बनाना बड़ा ही आसान है। इस तरीके से हमारी दाल ढोकली जल्दी सी बन जाती है। तो चलिए फटाफट से जो बाकी हमारे लोहे रखे हुए हैं उनको भी फटाफट बेल लेते हैं और इसी तरीके से कट कर लेंगे, और सारी दाल ढोकली के लिए हमने जो हमारी ढोकली है वो तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको यहाँ पर ढोकली बनाना सिखाया है। और साथ ही में दोस्तों जब हम इसे बनाएंगे तो आज हम बनाएंगे इसे बिल्कुल प्रेशर कुकर में, खुली नहीं बनाएंगे। तो ये हमारे 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल झटपट से बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए सारी ढोकलियाँ हमने रेडी कर ली हैं। तो चलिए अब दाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम के करीब ले ली है धुली हुई मूंग की दाल, साथ में यहाँ पे हमने 50 ग्राम के करीब ली है छिलके वाली मूंग की दाल और 50 ग्राम चने की दाल ली है। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, साफ धो लेते हैं इसे, 2 से 3 बार पानी डाल करके अच्छे से हम इसे धो लेंगे। यहाँ पर हमारी दाल की तैयारी हो चुकी है। तो चलिए दाल हमारी यहाँ धुल गई है और इसे अब हम रख देते हैं, साथ में अब हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं बड़े साइज़ के 2 प्याज, इसे हमने कट कर लिया है, साथ में 2 हरी मिर्ची कट कर ली है। यहाँ पे हमने ले लिया है 2 बड़े टमाटर, और टमाटर कट करने के बाद में यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच ले लिए हमने पिसी हुई लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच ली है हमने हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ले लिया है आधी छोटी चम्मच। तो चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं पानी। तो हम इसका पहले मसाला बना के रखेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट है दाल ढोकली के अंदर, ये देखिए। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस पे रख दिया हमने कुकर, तो कुकर हमने रख दिया है और 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है तेल। तेल दोस्तों कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, और तेल गर्म करने पर यहाँ पर हमने डाल दिया है हींग 1 पिंच के करीब, साथ ही में यहाँ पर आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है और आधी छोटी चम्मच राई,
राई और जीरा चटकने के बाद में यहाँ ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज। तो ये देखिए एक बार प्याज को अच्छे से चला लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को ऐड करने के बाद में इनको अच्छे से चला लेंगे दोनों को। थोड़ा सा यहाँ पे मिर्ची और प्याज को भून लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे डाल देंगे मसाला जो कि अभी हमने टमाटर में डाल करके तैयार कर लिया था। ये देखिए और यहाँ पे मसाला भी भुनना शुरू हो गया है। तो ये देखिए अच्छे से हम इसे भून लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसके बाद में इसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए, क्योंकि जब तक हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से नहीं भुनेगा तो हमारी दाल ढोकली उतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और तेल ऊपर आ चुका है। तो चलिए फटाफट से यहाँ दाल डाल देते हैं हम लोग। दाल डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 लोटे पानी इसमें डाले हैं। अगर आप गिलास के हिसाब से डालते हो तो यहाँ पे 4 गिलास के करीब पानी डालिएगा, 4 से 5, क्योंकि दोस्तों हम जब दाल ढोकली बनाएंगे तो हमारी दाल भी अच्छे से फूल जाएगी और ढोकली को भी पकने में टाइम लगेगा। इससे हमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए इसके अंदर, जिससे कि हमारी दाल ढोकली बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो। तो चलिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी दाल में अच्छे से बॉईल आ चुका है और यहाँ पर हम लोग दाल ढोकली डाल देते हैं दाल के अंदर। ये देखिए बस आपको दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप दाल ढोकली बनाते हैं तो आपको ढोकली है जो बिल्कुल उसका आटा जो लगाया है आपने एकदम टाइट होना चाहिए, जिससे कि हमारी ढोकली बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं कैप कुकर के और हमें 4 विसल लेनी है। और 4 विसल लेने के बाद में ही यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारी ढोकली को। देखिए यहाँ पे हमने 4 विसल ले ली है और 4 विसल लगाने के बाद में यहाँ पर हम इसे भाप में उन्हें छोड़ देंगे ताकि हमारी ढोकली बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कुकर का कैप हटा दिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी यहाँ पे दाल ढोकली बन चुकी है। ये देखिए जो हमने पानी का मेज़र करा था वो भी एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों हमें इसी तरीके की हमारी दाल ढोकली चाहिए थी जो कि बनके तैयार है सिर्फ 15 मिनट में। तो दोस्तों जब भी आपका खाना बनाने का मन ना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और ये देखिए हमारी दाल ढोकली कितनी परफेक्ट बनी है। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी हमारी दाल ढोकली बनके तैयार है। तो दोस्तों ये राजस्थानी दाल ढोकली है जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ ऐड करेंगे 1 प्याज जो कि हमने कट कर लिया है। साथ ही में यहाँ पे ले लेते हैं हरी मिर्च और साथ में लेंगे यहाँ पर रेडिश। तो आपके पास रेडिश हो तो आप रेडिश ले लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं कुकुम्बर भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा देसी घी भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो देसी घी मुझे पसंद नहीं था तो मैंने इसे स्किप कर दिया है। और साथ में यहाँ पर आप लेमन भी डाल सकते हैं जिसके बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए, इन्जॉय कीजिए। धन्यवाद।